एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कि जैसे आप जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल पे आप सभी को अभी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अलग अलग तरीके के वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहा था, उसी तरीके से आज भी मैं आप सभी के बीच में एक नए सेशन को लेकर आया हूँ, जिसे आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो देख रहे हैं कि दोस्तों, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे ही दिख रहा है ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल। तो यहाँ पे दोस्तों, आप सब देख के असमंजस में न पड़िए, ये सिर्फ अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसका सर्टिफिकेट बहुत ही मान्य करता है। तो दोस्तों, बहुत बच्चे का ख्वाहिश रहती है कि हमें रेलवे से अप्रेंटिस करना है, रेलवे से ट्रेनिंग करना है, रेलवे में ड्यूटी करना है। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि उन्हें बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाला है और यहाँ पे मैं पूरा इजी तरीके से बताऊंगा कि इस वीडियो में किस तरीके से ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई करें, ताकि उनको जल्दी से जल्दी जो वैकेंसी है वो जो निकली है उनका जो सीट है वो फिक्स हो जाए। तो दोस्तों, फिलहाल आप जल्दी कीजिए, आप जितना लेट करेंगे उतना ही आप पीछे रह जाएंगे। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ पे वेबसाइट का नोटिफिकेशन 23 तारीख को आ गया था और जो ओपनिंग डेट फॉर्म का था 30/9 को, और जो लास्ट डेट हमारा है 29/10 को समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, डेट को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर लीजिए। तो देखते हैं आगे दोस्तों, किस तरीके से कौन से साइड से कम्युनिटी गाइडलाइन दी गई है, उस सारी चीज़ों को भी आप सभी ध्यान पूर्वक रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे इसमें जो ब्रेक वास्टर ट्रेनिंग सॉल्ट में जो भी सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों को बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया PWBD पर्सनल विस्ट ब्रेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी हैंडिकेप बच्चे होते हैं उसके लिए EMS एक्स सर्विस मैन अनरिजर्वेशन OBC अदर बैकवर्ड क्लास SC ST और EWS, इस तरीके से सारे यहाँ पे कैटेगरी दी गई हैं। इन सारे कैटेगरी के लिए ये फॉर्म एलिजिबल है। तो फिलहाल आप दोस्तों, ये आप देर ना कीजिए, इस फॉर्म को जल्द से जल्द जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो स्टूडेंट जल्द से जल्द फिलअप कीजिए। तो आगे मैं देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया है और किस तरीके से हमें फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें जो सारे जो बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए यहाँ पे जो गाइडलाइन दी गई है, उनकी जो सारी सीटें हैं, किस तरीके से मेरिट लिस्ट निकलती है, कैसे जारी होता है, यहाँ पे सारी सीटें दी गई हैं। तो आप फिलहाल देखिए, यहाँ पे बैक टू बैक एक एक पेज देखते जाइए। यहाँ सीरे वाले देखिए, फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिकल है और मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, आप देख रहे हैं। अब फिलहाल एक एक पेज देखते जाइए, आप इजी तरीके से समझ जाएंगे किसमें कितनी सारी सीटें हैं। हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सीटें जो दी गई हैं, देख रहे हैं कि पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे सीट दी गई हैं। तो आप दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी सीटें आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, ताकि आप सभी तक बहुत ही ईजी तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप सभी को बहुत अच्छा इसमें समझ में भी आ जाता रहेगा। फिलहाल मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए आप सभी को बताता हूँ कि जल्द से जल्द जितना लेट करेंगे उतना आप सभी को नुकसान होगा। तो इसलिए आप फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्म का आवेदन है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो वेल्डर है, सीट मेटल है, वर्कर है, लाइन मैन है और वायर मैन है, कारपेंटर है, पेंटर है, ये सारे चीज़ का वैकेंसी जो यहाँ पे दी गई है। तो इन सारे को जो जैसे कि जब एप्लीकेशन जब हमारा मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है, तो उसमें जो मेडिकल फिटनेस होता है वो हमें गवर्नमेंट कॉलेज से ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना पड़ता है। फिलहाल के लिए दोस्तों बता दूँ कि जो उसमें जो फॉर्म भरने का जो वेबसाइट, हमारा मेन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके WWRRCER.com पे आप जाके फिलअप कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, फिलहाल यहीं के जो मेडिकल फिटनेस हो गया, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और मेड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, सारे इसमें स्कोप दिए गए हैं। तो आगे दोस्तों, इसी में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दिए, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फ़ीस क्या है, उससे भी रिलेटेड सारे इसमें जो ऑफिस जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें ऐड इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब मैं आगे हाउ टू अप्लाई,
अब अप्लाई का इस तरीके से करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई भी बहुत इजी तरीके से, आप बस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट पे विजिट करते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फॉर्म को कैसे फिलअप करना वो भी आप सभी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाइए, फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से अपलोड कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ये आपका जो इमेज साइज है, सिग्नेचर और फोटोज़ जो है JPG फाइल में ही होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपका जो PDF फाइल में होनी चाहिए। तो इस चीज़ का बराबर ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्म को इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और अपने फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।